हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे रायबरेली में सीएम योगी आए हुए हैं, तो उनकी जनसभा है। चलिए हम भी लोग भी चलेंगे, देखेंगे वहाँ क्या माहौल है। तो चलिए जनसभा में आपको लेके चलते हैं आगे, किस तरह से वहाँ पहुँचना है, क्या क्या। तो दोस्तों, ये जनसभा GIC में हो रही है और अभी हम लोग आए हुए हैं। बहुत तेज धूप है, इसलिए पहले पानी पी लें। जरा देखें पानी की व्यवस्था कहाँ पर करी गई है। हाँ, ये इधर कूल केस दिख तो रहे हैं। चलिए पानी वानी पी लेते हैं। फिर सीएम योगी अभी आए नहीं, आएंगे तो उनका भी दिखाएंगे आपको। हेलीकॉप्टर वगैरह कहाँ उतरेगा। और पहले रुकिए, थोड़ा पानी पी लें, प्यास बहुत तेज़ लगी हुई है। देखें ठंडा पानी रखें कि नॉर्मल वाला है। ठंडा है, ठंडा पानी है, बढ़िया। और ये देखिए सीएम योगी का ये हेलीकॉप्टर आ गया है। अब ये GIC के सेकंड फ्लोर में जहाँ हेलीपैड बना है वहीं उतरेंगे, उसके बाद फिर आएंगे इधर भाषण देने। अभी देखो, देखेगा, देखा दोस्तों। आपको बता दें, शहर के सभी रूटों पे डायवर्जन लगा हुआ है, इस वजह से हमें इस गली वगैरह से आना पड़ रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर इस समय योगी जी बैठे हुए हैं और अदिति सिंह जो हमारे रायबरेली की विधायिका, वो स्पीच दे रही है। चलिए अब योगी जी की स्पीच भी आपको दिखा देते हैं। और ये देखिए जनता कितना सैलाब उमड़ा हुआ है और योगी जी कुछ स्पीच दे रहे हैं, सुनिए इसको। दोस्तों, योगी जी की जनसभा में जाने के लिए आपको पहले अपना सामान चेकिंग करवाना होगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सामने सामान की चेकिंग हो रही है। और ये लोग मतलब थोड़ा सा जो है भीड़ ज़्यादा रहती है तो कंट्रोल इतनी अच्छे से नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुलिस काफ़ी कंट्रोल करे हुए है। मतलब कि कोई वैसा भागा दौड़ी भी ना हो, भगदड़ ना मचे और कायदे से कंट्रोल भी हो जाए। पुलिस अपनी तरफ से प्रशासन सारी व्यवस्था करे हुए। पान पुड़िया वगैरह है तो सब फिर निकाल के फेंकना होगा या कहीं रखिए जाके। और केवल मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं और कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर सेंसर्स वगैरह लगे हैं आपका सामान चेक करने के लिए। और महान सेना नायक वीरा पाटिल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें निरंतर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उधर रास्ता है जाने का। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी का अभिवादन करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में नगर निकाय के इलेक्शन चल रहे हैं। 762 नगर निकाय है। मुझे इस पर भी गर्व है कि एक साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सरकार में मंत्री के दायित्व का निर्वहन करते रायबरेली चौड़ीकरण को हमने शहर को अच्छे से बनाने में बेहतर काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से
यही जीआईसी में दोस्तों, ये जीआईसी का पीछे साइड का है, ये पुराना प्रिंसिपल ऑफिस है और यहीं के सामने की बाउंड्री तोड़ दी गई और यहाँ से देखिए लोग आ जा रहे हैं और हम लोग भी अब वापस जा रहे हैं घर। चलिए इधर से चलते। हाँ शिवम, नहीं अब किधर चले? पर मंदिर इसी के साथ ये वाला ब्लॉग करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते चैनल को नमस्कार।